हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ रिसर्च। आज हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों ने हमारी टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस लिंक से हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टा का पेज फॉलो नहीं किया है तो ये इंस्टा की आईडी है, आप इस पर इससे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जानने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि हाइपोथेसिस के बारे में। तो एक्चुअली हाइपोथेसिस जो हैं, हाइपोथेसिस जब हम फ्रेम करते हैं तो उसके लिए मतलब बेस क्या होती है कि कहाँ से हमें मिलती हैं बेस टू फ्रेम द हाइपोथेसिस। दैट इज़ बेसिकली हमें हेल्प कर रहा है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो होगा और कोई थ्योरी जो होती है रिलेटेड थ्योरी टॉपिक के रिलेटेड, तो ये दो हमें बेस बनते हैं टू फ्रेम द हाइपोथेसिस, राइट। और आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि हमें रिसर्च में या तो हम नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं या फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। दो में से एक हाइपोथेसिस रिसर्च में होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हाइपोथेसिस हम फ्रेम करेंगे वो हमेशा याद रखना है, दैट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, नॉट इन द फ्यूचर टेंस। जो वर्डिंग होगी हाइपोथेसिस वो प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। और ये भी हम लोगों ने देखा कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस किसे हम कहते हैं और ऑपरेशनल हाइपोथेसिस किसे हम कहते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक और लिंक मिलेगी इन वीडियोस की, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट कीजिएगा। तो आज का लेक्चर जो है दैट इज़ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है मतलब एक हाइपोथेसिस जो हमने टेंटेटिव गेस फ्रेम किया है इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। बट स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं जो हमारा डेटा होना चाहिए, दैट शुड बी द क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा मींस जो डेटा नंबर्स में होगा, जिसमें नंबर्स होंगे, तभी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक उस पर अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जो हाइपोथेसिस है दैट विल बी टेस्टेड। अब मसला है कि अगर हमारा डेटा जो है दैट विल बी द क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा में ना ही हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, चाहे नल चाहे ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कोई भी हाइपोथेसिस में फ्रेम नहीं होती है। जब हाइपोथेसिस ही फ्रेम नहीं होती है तो हम किस चीज़ को टेस्ट करेंगे, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फिर इसमें नहीं होता है। बट इन केस अगर हमें मतलब टेस्टिंग हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है या हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो हमें क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो हम आगे भी देख सकते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा। तो मींस कि तभी हम हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं एंड उसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि जो नंबर्स का खेल है, क्वांटिटेटिव डेटा में जो भी हम टेस्टिंग करेंगे, जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज़ करेंगे, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसके कुछ एजम्पशंस होती हैं, तो उन एजम्पशंस को वो सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हम कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक कुछ टेस्ट के एजम्पशंस हम आगे भी पढ़ेंगे किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में, तो उसी के बेसिस पे हम फिर देखेंगे कि वो मतलब कौन कौन सी एजम्पशन सेटिस्फाई करना चाहिए डेटा। तो फिलहाल के लिए हमें क्या है, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमें जब करनी है तो हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक टर्म्स, लाइक हमें पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम किसे कहते हैं, इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए वन टेलर टेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है।
हमें पता होना चाहिए टू टेलर टेस्ट किसे कहते हैं, हमें पता होना चाहिए टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर के बारे में। ठीक, ये कुछ बेसिक्स हैं जो हम आज देखेंगे इस वाले लेक्चर में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसको कहेंगे? अगर आप देखोगे फ्रीडम, जो फ्रीडम, फ्रीडम हम किसको कहते हैं? फ्रीडम हम आज़ादी को कहते हैं। फ्रीडम मींस कि हम, हमारे पास मतलब जितने भी अवेलेबल हम ये कहेंगे कि ऑप्शंस हैं, वी आर फ्री टू अवेल दोज ऑप्शंस। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी। आप लोगों को लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप लोगों को जाना होता है ऑफिस। ठीक है, ऑफिस या यूनिवर्सिटी। ठीक, तो आपके पास सिक्स कलर्स की कलर की शर्ट्स हैं। ठीक है, तो आप मंडे को, मतलब आप संडे को प्रिपेयर करके रखते हो सिक्स कलर की शर्ट्स। आप मंडे को कौन सी शर्ट लोगे? यू आर फ्री टू हैव एनी वन ऑफ सिक्स कलर्स। जो छः कलर्स आपके पास हैं, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो मंडे को। मीन्स कि आप फ्री हो, यानी कि मंडे को आप फ्रीडम है। ठीक है, उस चीज़ को, मतलब जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास हैं, आप उस उनको अवेल कर सकते हो। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, आप उनको अवेल कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज़। ठीक, बट आप लोगों को पता है कि आपके पास ऑप्शंस जो हैं, दोज आर फिनिट ऑप्शंस। यू डोंट हैव द इनफाइनाइट ऑप्शंस। आपके पास इनफाइनाइट ऑप्शंस नहीं है, आपके पास फिनिट ऑप्शंस है। ठीक है, तो इन फिनिट ऑल्टरनेटिव्स जो है, जब हम या जो हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑप्शंस जो हमारे पास है, वो हमेशा आपको मतलब किसी तादाद में मिलेंगे। ठीक है, जब भी हम फ्रीडम को आगे डिग्री ऐड करते हैं, तो मींस वी आर रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम। ठीक है, हम फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या हम बोलते हैं? हम बोलते हैं जितने भी टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जितने भी आपके पास हैं, तो उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो आपने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं, टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, समझ आया? यानी कि अगर आप अब ट्यूसडे, अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल में ट्यूसडे अब आपको चूज़ करना है, आपको तो एक ऑल्टरनेटिव ख़त्म हुआ। आप ट्यूसडे में आपको कितनी फ्रीडम बची है? दैट्स सिक्स माइनस वन। एक ऑप्शन तो आपने लिया है, यानी कि आपके पास पांच ही शर्ट्स बची हैं जिनको आप ट्यूसडे के लिए आपको रखी है। इसी तरीके से जब आप वेंसडे को पहुंचोगे, तो आपको कितनी फ्रीडम बची हैं? आपको सिक्स माइनस टू, जितने ऑप्शंस आपने रेस्ट्रिक्ट किए हैं, दैट मीन्स फोर ही ऑप्शंस आपके पास बची हैं। करेक्ट, समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगी कि लाइक यू हैव टू चूज़ द फोर नंबर्स। आपको चार नंबर्स चूज़ करने हैं जिनका सम होगा फॉर एग्जांपल फोर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिनका सम होना चाहिए फोर। ठीक है, तो आप ए को पहले फ्री हो चूज़ करने के लिए, एक किसी भी एक ऑप्शन को आप फ्री हो चूज़ करने के लिए, जो ही आपने कोई ऑप्शन चूज़ किए, तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। आपने एक ऑप्शन चूज़ किया है, तो तीन ऑप्शंस, यानी कि आप फिर आपकी जो फ्रीडम है वो रेस्ट्रिक्ट की गई है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हम ये कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी, वो कभी भी आपको बराबर नहीं होंगी जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होंगे। यानी कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DF जिसको हम कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, वो कभी भी आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई काउंट है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कभी भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको ज़ीरो मिला, देन दैट मींस कि आपके पास फ्रीडम ही नहीं थी पहले, तो आप किसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? करेक्ट, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ दैट इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। आप जब फॉर एग्जांपल लाइक बस में चढ़ते हो,
ठीक है, आप लोग बस के ज़रिए ट्रैवल कर रहे हो तो बस में बहुत सारे लोग हैं, तो किसी लोग मतलब जब भी ड्राइवर ब्रेक देता है तो मतलब लोग एक दूसरे को थोड़ा सा हिट करते हैं, ठीक है। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हिट करता है तो उसको वो वहाँ से वापस लाइक मतलब माफ़ी मांगता है या सॉरी कहता है, ही फील सॉरी दैट ही हैज़ हिटेड हिम बाय चांस, नॉट इंटेंशनली, उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको हिट करने का, बट बाय चांस ही हैज़ हिटेड हिम, ठीक है। तो बाय चांस मींस कि उसको एरर हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कभी कभी आप लोगों ने वर्ड यूज़ किया होगा कि बाय चांस इट हैज़ रेन्ड टुडे, ठीक है, आज बाय चांस बारिश हुई, हमें अम्ब्रेला साथ ही नहीं था तो बारिश हुई, ये बाय चांस बारिश हुई थी, इट वाज नॉट मतलब हमें पहले से पता नहीं था, ठीक है। तो आप ये समझो कि बाय चांस और दूसरा जो है कि जिसको हम कहेंगे कि इंटेंशनल जो इवेंट होगा, जो बाय चांस नहीं होगा, जो तो इन दो के दरमियान जो डिफरेंस हैं वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और उस यानी कि बाय चांस एंड नॉट बाय चांस, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, समझ आया। देखो मैं हम कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी फ्रेंड से आज बाय चांस मिले, वी डोंट हैव एनी इंटेंशन टू मीट दैट फ्रेंड, हमारा एक फ्रेंड यहाँ से गुजर रहा था, इससे हम बाय चांस मिले थे, तो हमने कोई भी मीटिंग फिक्स नहीं की थी। अब अगर हमने मीटिंग फिक्स की होती देन इट मे नॉट बी बाय चांस, ठीक है, ये बाय चांस नहीं होता। तो इन दो के दरमियान जो ये फाइन लाइन एक है, इस फाइन लाइन को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, समझ आया। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद है जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई कुछ होता है, जब वो बाय चांस होता है मींस कि वो किसी एरर की वजह से हुआ, समथिंग वॉज रॉन्ग देयर, सम एरर वॉज देयर, इसीलिए वो चीज़ हुई, इट इज़ ड्यू टू द एरर, ये मतलब एरर की वजह से हुआ, ना कि ये मतलब इंटेंशनल की वजह से हुआ। लाइक हम हाथ धोते हैं, वी वॉश आवर हैंड्स, ठीक है, हम साबुन से हाथ धोते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सोप, बट फिर जब हम उन्हीं हाथों को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि फिर भी कुछ कोई ना कोई जर्म रहा है, यानी कि बाय सम एरर मतलब कोई जर्म हमारे हाथों में अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो समटाइम्स आप लोगों ने ये भी सुना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नासा या कोई और एजेंसी जो है जब वो रॉकेट लॉन्च करती हैं तो रॉकेट लॉन्च जो है दैट फेल्ड समटाइम्स, व्हाई दैट फेल्ड, देयर वाज एन एरर, ठीक है, वहाँ पे कोई एरर हुआ था इसी वजह से वो फेल हुआ था, ठीक। तो अब है कि सोशल साइंटिस्ट्स और साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया है कि कितना एरर हम कर सकते हैं रिसर्च में, उन्होंने ये डिसाइड करके रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि आपको गुंजाइश है 5% एरर करने की, आपको गुंजाइश है 5% गलती करने की, ठीक है। तो 5% यानी कि इट मींस कि अगर आपने 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको 95 times सेम रिज़ल्ट मिलेगा, ओनली 5 times आपको डिफरेंट रिज़ल्ट मिलेगा, उसी को हम कहते हैं 5% एरर, यानी कि जो आपकी फाइंडिंग्स जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो 95% सेम होंगे, सेम आएंगे, और 5 बार वो गलत आएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस 5% एरर को हम कहते हैं दैट इट्स एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, समझ आया। यानी कि 5% एरर जो इसमें है वो हम लेते हैं, इट विल बी द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट किया एंड 99 times इट
गिव द सेम रिजल्ट्स बट ओनली वन टाइम ये डिफरेंट आ रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं दैट 1% एरर इज देयर. ठीक है, तो 1% एरर जो है इसका मतलब है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगी दैट विल बी 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, समझ आया? करेक्ट. अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखोगे और परसेंटेज ऑफ एरर को देखोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और परसेंटेज ऑफ एरर ये एक दूसरे को इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कि जितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा उतना परसेंटेज ऑफ एरर कम होगा. जितना लेवल ऑफ जितना एरर ज़्यादा होगा उतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम होगा. ठीक है, समझ आया? सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो इंडिकेट करता है कितनी परसेंटेज ऑफ एरर हम टॉलरेट कर सकते हैं किसी रिसर्च में. इसीलिए मैंने मेंशन किया कि साइंटिस्ट्स ने बोला है दैट वी कैन टॉलरेट ओनली 5% एरर इन द सोशल साइंस रिसर्च. ठीक है, अब एक मसला है, आई थिंक ये आप लोगों को मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बोला था. फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 था ना, तो कोविड-19 पेंडेमिक में हमें कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं था, यानी कि कोई भी मेडिसिन हमें अवेलेबल नहीं था, मत था. तो अगर कोई मेडिसिन अब आया जिसमें जो हमने 100 पेशेंट्स को दिया उसमें से ओनली 60 पेशेंट्स ही बच गए, वहाँ से हम कहते हैं कि जो साइंस वाले हैं उनको ओनली 1% एरर की मोहलत है. बट यहाँ पे आप देखो, अगर कोई ड्रग हमने दिया वहाँ पे हमें 60% मतलब ठीक हो गए और 40% हमें डिफरेंट मतलब मर गए. ठीक है, तो मींस हमने यहाँ पे 40% एरर किया है ना. बट देर इज़ नो अदर ड्रग अवेलेबल जो इसको क्योर कर सके. इसीलिए इन सिचुएशंस में हम इसको लेते हैं कि चाहे मतलब 60% ही बच क्यों ना जाए तो ये ड्रग हम देते हैं जब तक कोई और ड्रग हमें ना मिले. यानी कि यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है दैट इज़ 0.4 है ना, 0.40 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो ये हम कुछ सिचुएशंस में लेते हैं. बट नॉर्मल सिचुएशंस में हमारे पास ओनली 5% एरर करने की गुंजाइश है और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेते हैं दैट इज 0.05 लेवल. इज इट करेक्ट, समझ आया? ओके, सो परसेंटेज ऑफ एरर जानने के लिए परसेंटेज ऑफ एरर कितना होना चाहिए किसी रिसर्च में, वन हैज़ टू एनालाइज डेटा विद सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक. जो अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक होगी उसके डेटा के लिए, उसके ज़रिए उसको वो डेटा को एनालाइज करना है ताकि जो उसका परसेंटेज ऑफ एरर है वो कम से कम रह जाए. इज इट करेक्ट? ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ज़रिए हमें कोई वैल्यू मिलता है, ठीक है, वी गेट सम वैल्यू, वो जो वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू. जो वो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है ये हम कैलकुलेट करते हैं. दूसरा वैल्यू जो होता है दैट इज़ द टेबल वैल्यू, जो वहीं से टेबल्स दिए गए होते हैं रिसर्च के बुक्स के पीछे, तो वो टेबल वैल्यू होता है. तो टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू जो हैं इसके बीच में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें यूज़ होती हैं हम किसी पर्टिकुलर टेबल वैल्यू को देखने के लिए. डिग्री ऑफ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस पर हम देखते हैं किस लेवल पर देखना है, 0.05 या 0.01 पे देखना होगा. ठीक है, तो इन दो में से किस लेवल पे हम देखते हैं वो हम देखते हैं टेबल वैल्यू, और हमने जो कैलकुलेट किया होता है दैट इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू.
अब ये है कि अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो अगर ज़्यादा होगा टेबल वैल्यू से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इस ना लेवल पे टेबल वैल्यू कम होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होगा, तो हम क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, वी से दैट द जो भी वो मतलब वैल्यू होगा दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगा टेबल वैल्यू से तो हम बोलते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंट है एट पर्टिकुलर लेवल, चाहे 0.01 हो चाहे 0.05, ठीक है, ओके। चलो मैं आप लोगों के सामने एक ऑब्जेक्टिव रखती हूँ। ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द मीन स्कोर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग करवा रहे थे तो हम लोगों को देखना है कि बच्चे कितना परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव है, तो से तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है ना। तो आप हाइपोथेसिस क्या बनाओगे, लाइक देयर इज नो सिग्निफिकेंट, फिर है मीन स्कोर, सॉरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन स्कोर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग, ठीक है। ये है आप लोगों की हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना है कि नहीं करना है। टेस्ट हम कैसे करते हैं, टेस्ट हम करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट के जरिए, ठीक है। सपोज आपके पास 70 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने ऑफलाइन टीचिंग के ज़रिए पढ़ा था, ठीक है, तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग के ज़रिए पढ़ा था, करेक्ट, समझ आया। तो सपोज हम लोगों ने टी टेस्ट कैलकुलेट किया था, टी टेस्ट किया था तो टी वैल्यू निकला आप लोगों का लाइक सपोज इट्स सपोज इतना आपको टी वैल्यू निकला, ठीक है। तो ये जो टी वैल्यू है ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू, ठीक है। अब आपको टेबल एक देखना है, टी टेबल जिसको हम कहते हैं, वो बुक्स के एंड में होता है, तो उस टी टेबल में आपको टी टेबल वैल्यू देखना है। आप टेबल वैल्यू कैसे देखोगे, उससे पहले आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए, उससे पहले आपको सिग्निफिकेंस लेवल पता होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंस लेवल पे आप देखना चाहते हो। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, यू हैव अवेलेबल ऑप्शंस 70 + 30 - 2, राइट। तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इट्स 100 - 2, दैट इज 98, राइट। तो 98 डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखोगे किस लेवल पे, 0.05 या 0.01, जिस पे भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपको कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू निकलेगा, सपोज 98 पे आपको टेबल वैल्यू आता है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है दैट एक्सीड्स द टेबल वैल्यू, वो हाई है टेबल वैल्यू से, तो आपको क्या है,
योर नल हाइपोथेसिस जो हैं वो मतलब आपका कैलकुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होती है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है. तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है कौन सी थी, दैट देयर इज क्या था ये, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने नल हाइपोथेसिस बनाई थी. हम कहते हैं कि जो हमारा टेबल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, तो इसीलिए जो नल हाइपोथेसिस हमारी हैं दैट इज़ नॉट बीइंग रिजेक्टेड. ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं, जो भी दो ग्रुप्स हैं उनमें डिफरेंस पाई जाती है. अब अगर आप लोगों का कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम आया है किसे, टेबल वैल्यू से. सपोज यहाँ पे आपका कैलकुलेटेड वैल्यू 1.12 है और टेबल वैल्यू आपको आएगा 1.9. ठीक है, ये तो ज़्यादा है ना, ये कम है. ठीक, जब ये कम होगा तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इसमें, चाहे आप किस लेवल पे देखोगे, 0.05 पे देखोगे या 0.01 पे देखोगे, चलो सपोज करके चलते हैं 0.05 पे देख रहे हो, तो आप ये मान के चलते हैं कि शायद जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये 5% एरर की वजह से, यानी कि 0.05 लेवल पे हम देख रहे हैं, ये 5% एरर की वजह से हमें सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स के या इट शोज़ कि जो भी दो कैलकुलेटेड मीन स्कोर्स हैं वो एक दूसरे से मतलब डिफरेंट नहीं है, वो डिफर ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम है, जो ऑफलाइन में है जो ऑनलाइन में है दोनों की परफॉर्मेंस सेम है. ठीक है, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम कहते हैं कि वो रिजेक्ट हुई है. ठीक है, आपकी नल हाइपोथेसिस जब हम ये कहते हैं, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है रिजेक्ट है एक्सेप्टेड है, उस चीज़ को हम रिजेक्ट और नॉट रिजेक्टेड है उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बोलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे.